दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आज निरंकारी सद्गुरु माता सरेंद्र कौर जी ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ये ब्लड डोनेशन कैंप 1986 से लगातार आयोजित कर रहा है। यह इस कैंप में आज 1500 यूनिट ब्लड इकट्ठा होने की उम्मीद है और इस तरह के आज 76 कैंप संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित किए हैं। ब्लड क्लॉट में ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए और उसका अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट है। इस सर्कुलेशन को इस शरीर में ठीक रहना चाहिए। एक ब्लड सर्कुलेशन और भी है जिसको ठीक रखना हम सबके हाथ में है, वो है जब हमारे शरीर का खून किसी दूसरे के शरीर में जाकर सर्कुलेट करके उसकी जान बचाता है। पिछले साल इसी कैंप में 1727 यूनिट ब्लड दिया गया तो आज भी अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है 1000 तक पहुंच चुकी है, तो लगता है कि हम उसी टारगेट को फिर आज के दिन भी पहुंच जाएंगे। पिछले साल अपने पूरे साल में 479 कैंप लगे देश भर में, जिनमें 80,560 यूनिट अपने ये ब्लड दिया गया, तो ये हमारा इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। बुराड़ी ग्राउंड में आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में 15 टीमें आई हैं, जिसमें आर्मी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मिलता है, जो जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाता है। सीजन में स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं या तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे कैंप्स होते नहीं है। मेजर कलेक्शन थैलेसीमिया पेशेंट्स को जाएगी या कोई मेजर सर्जरीज हैं हॉस्पिटल में उनके लिए यूज होगा। इस मौके पर ब्लड डोनेट कर रहे लोग खुद को किसी के काम आने के कारण खुश थे और इसे सबसे बड़ा सुकून देने वाला काम बता रहे थे। इनका कहना है कि बाबा जी ने कहा था कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और ये उन्हीं के उपदेशों का पालन कर रहे हैं। जी हम निरंकारी हैं, बाय बर्थ ही मैं निरंकारी हैं। पूरी फैमिली हमारी दादी से लेकर फादर मदर सब निरंकारी हैं। नहीं बिल्कुल कंफर्म था, नहीं कई सालों बाद दिया इस बार। मेरा हीमोग्लोबिन कम था तो नहीं ले रहे थे ये लोग, इस बार ठीक था तो दिया। इस तरीके की अंदरूनी शांति कैसे मिलती है, क्योंकि ब्लड जो है वो सबसे बड़ा दान है। बिल्कुल सबसे बड़ा दान है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए दिया बाबा जी। ये आप जो कह रहे हैं दान, इट्स अ नोबल कॉज। बाबा जी हमेशा यही कहते थे कि हमारी जो ब्लड है वो नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बहे तो कितना अच्छा है। इसका बेस्ट यूज ऑफ द ब्लड इज टू स्प्रेड। कुल मिलाकर जरूरत है कि इस तरह की मुहिम केवल एक मिशन नहीं बल्कि देश के सभी संगठन चलाएं ताकि देश में खून की कमी से किसी की मौत ना हो। सभी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें सीधी नजर टीवी।